वहाँ एक रिपोर्टर ने यूजीन सैंडो से पूछ लिया कि क्या होगा यदि यह बंगाली लोग आपकी प्रणाली को करने लगेंगे। तो यूजीन सैंडो ने उत्तर दिया कि वह कमज़ोर से शक्तिशाली बन जाएंगे। इसे साबित करने के लिए उनके पास बहुत सारे उदाहरण हैं। राम नारायण आचार्य, जो 11 साल की उम्र से सैंडो प्रणाली का पालन कर रहे थे, उन्होंने खुद को बदल दिया था। कलकत्ता के चौधर पर्क ने भौतिक संस्कृति की एक अच्छी तरह से भाग लेने वाली कक्षा भी चलाई। बंगाल के सुरेश चंद्र दास गुप्ता ने सैंडो पत्राचार पाठ्यक्रम के बाद एक वर्ष में अपनी छाती का विस्तार 27 से 31 इंच बढ़ाने में कामयाबी हासिल करी। तो दोस्तों, इससे अभिप्राय यही है कि यूजीन सैंडो की प्रणाली को करने वाले अनेक व्यक्ति थे। यूजीन सैंडो इंग्लैंड में अपने भाषण के दौरान भारत के लोगों के उत्थान के लिए चर्चा करते हैं। उन्होंने भारतीय लोगों की खराब शारीरिक स्थिति का कारण खराब भोजन और व्यायाम की कमी को ठहराया। उन्होंने किसी भी जाति के नस्ल के आधार पर उसकी खराब शारीरिक स्थिति को जिम्मेदार नहीं ठहराया था। भारत के पास भौतिक पुरुषों के निर्माण की नींव है। सैंडो कहते हैं, भारतीय लोगों की कमजोरी का कारण उनके अनुचित भोजन और व्यवस्थित व्यायाम को बताया है। इसी कारण वह पतले और आलसी हैं। भारतीयों के पास निर्माण के लिए सफल सामग्री है, वह आगे बढ़े और बिल्कुल सफल होंगे, अवश्य ही सफल होंगे। भारतीय दुनिया के किसी भी राष्ट्र से अधिक सफल होंगे, क्योंकि उनके पास दृढ़ता है अपने शरीर के कल्याण के लिए। यूजीन सैंडो कहते हैं, 200 वर्षों में देखना संपूर्ण भारत की स्थिति कैसे बदल जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी सरला देवी घोषाल, जो सैंडो की यात्रा के बाद एक चरमपंथी नेता बन गई थी, भारत में सैंडो का नाम सैकड़ों मूल निवासियों के लिए एक देवता का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ साल बाद प्रसिद्ध खोजी पत्रकार डब्ल्यू स्टीड ने नोट लिखा था, महाराजा भारत से विशेष रूप से सेंट जेम्स स्ट्रीट में अपना इलाज कराने के लिए आए हैं। भारतीय शासकों ने अपने प्रतिनिधियों की शारीरिक प्रशिक्षण के लिए सैंडो से पेशकश भी करी थी। सैंडो ने भारत में योग प्रचार के लिए भी जोर दिया। दोस्तों, भारत में योग तो पहले से ही था, लेकिन यूजीन सैंडो एक आइकन बन गए थे। इसी वजह से यूजीन सैंडो ने भारत में योग प्रचार के लिए भी अधिक प्रेरणाएं दी और अधिक कल्याण के लिए विचार भी किया। सैंडो ने बॉलीवुड के शुरुआती नायक को राजा सैंडो का नाम दिया, जिसे उनकी प्रभावशाली काया के कारण डब किया गया था। यह 1930 के दशक के तमिल और हिंदी सिनेमा के प्रमुख अभिनेताओं और निर्देशकों में से एक थे। यूजीन सैंडो ने व्यायाम करते समय मांसपेशियों को ध्यान के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी प्रणाली का सार है मन को शारीरिक प्रयास पर केंद्रित करना, ताकि मन और शरीर दोनों एक साथ काम करके मांसपेशियों का निर्माण कर सके। अब मन और शरीर दोनों मांसपेशियों के विकास के लिए एक साथ काम कर सकते हैं। बंगाली अखबार में टिप्पणी में लिखा गया था, यह शरीर के साथ बंगाली अखबार में एक टिप्पणी के साथ लिखा गया था कि यह शरीर के साथ मन का सहयोग है, जो प्रणाली को इतना अनूठा बनाता है और लाभ भी प्रदान करता है। सैंडो दावा करते हैं कि वह बीमारी भी ठीक कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि उन्होंने बॉम्बे शिपिंग ठेकेदार धुंजी भॉय बोमान जी को ठीक किया था, जो एलिफेंटियासिस नामक बीमारी से ग्रस्त थे। जब वह व्यक्ति सैंडो के पास आए तो उनकी आयु 35 वर्ष थी, लेकिन वह 18 वर्ष से इस बीमारी से ग्रस्त थे। इन सज्जन ने अधिकांश यूरोपीय विशेषज्ञों से सलाह ली थी,
फिर अंत में सैंडो ने उन्हें ठीक करने का बीड़ा उठाया और वह व्यक्ति ठीक भी हो गए। उन्होंने सैंडो को एक बड़ी राशि देकर आभार प्रकट किया। उस व्यक्ति ने सैंडो से कहा कि आप भारत में ही रहो, मैं आपको प्रतिवर्ष 10,000 राशि दूंगा। लेकिन सैंडो ने यह अस्वीकार कर दिया। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। बोमन जी एक पारसी व्यवसायी थे जिन्हें बाद में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए उनकी सेवाओं के लिए नाइट की उपाधि भी दी गई। सैंडो ने अंततः लंदन में अपने स्थान का नाम उन्हीं के नाम पर रखा। बोमन जी ने सैंडो के उत्तराधिकारी को बॉम्बे में रहने के लिए मुफ्त में सेवा प्रदान करने का वचन भी दिया। यूजीन सैंडो 1905 में ब्रिटिश लौटे। यूजीन सैंडो 1905 में ब्रिटेन लौटे और वहां पर उनका स्वागत किया गया। उनकी पत्नी से वह लगभग 18 महीने से नहीं मिले थे। उस समय सैंडो ने काले फ्रॉक कोट, उभरा हुआ चमड़े का बटन कोट, काले और लाल रंग में गहरे रेशमी वास्केट और भूरे रंग के पतलून के साथ कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने अपने सिर पर काले रंग की ट्रिल्वी टोपी भी पहन रखी थी, जहां उसके नीचे से उनके घुंघराले बाल स्पष्ट देखे जा सकते थे। यूजीन सैंडो की बेटी हेलेन, जो 9 वर्ष की थी, उन्होंने अपने पिता से पूछा कि आप भारत से क्या लेकर आए हैं। तो यूजीन सैंडो मन में ही विचार करते हैं कि मैं भारत में अपने सैंडो सिस्टम प्रणाली का प्रसार करके आया हूँ। यूजीन सैंडो ने व्यापार क्षेत्र में एक महान भाग्य बनाया जब उन्हें 1911 में किंग जॉर्ज पंचम के लिए भौतिक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। यूजीन सैंडो ने 8 महीने भारत में व्यतीत किए थे और अपनी प्रणाली का विस्तार भी किया था। दोस्तों, भारत में राममूर्ति द्वारा यूजीन सैंडो को बार बार चुनौती दी गई, लेकिन सैंडो ने स्वीकार नहीं करी। यूजीन सैंडो ने इस घटना की चर्चा अपनी किसी भी पुस्तक में नहीं करी है, शायद किसी अन्य पुस्तक में करी हो। यह जानकारी जो मैंने आपके सम्मुख प्रकट करी है, वह गूगल के माध्यम से प्रकट की गई है, जो उस समय के अखबार लेख और विदेशी अखबारों के लेख से प्राप्त होती है। तो मित्रों, यूजीन सैंडो की यात्रा इस प्रकार से सफल होती है। आपका कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछना, मैं अपने पूर्ण सामर्थ्य से उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं यूजीन सैंडो की किसी अन्य वीडियो में।